सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेटवर्क। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईमेल के बारे में बात करने वाले हैं। ईमेल के अलग अलग जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं जैसे कि व्हाट इज़ CC BCC क्या होता है, और उनमें से पूछ लिया जाता है कि अगर हम BCC को मेल भेजेंगे तो वो किस किस को दिखेगी उसका ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आए हैं, और इसके अलावा हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी, और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईमेल क्या होती है। देखिए अगर इसे सामान्य भाषा में समझे तो ईमेल होता है, जो मेल होता है वो होता है एक संदेश, और जहाँ इसके साथ ई जुड़ जाता है तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक संदेश। यानी कि आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर के ज़रिए मेल भेजते हैं, फ़ोन के ज़रिए मेल भेजते हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि हम पत्र लिख के किसी दूसरे के पास संदेश भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे। लेकिन आज के टाइम हम ईमेल के ज़रिए अपना संदेश भेजते हैं, तो इसे सामान्य भाषा में ईमेल कहा जाता है। और ईमेल जो है वो काफ़ी तरह की हो सकती है, जैसे कि हमने जीमेल में यूज़ करते हैं, याहू में यूज़ करते हैं, हॉटमेल में यूज़ करते हैं, और कस्टम ईमेल भी हम बना सकते हैं अपनी डोमेन का। तो इस पूरे सिस्टम के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। देखिए बात करते हैं हम ईमेल के अंदर मुख्य कितने भाग होते हैं। मुख्य रूप से ईमेल के अंदर तीन भाग होते हैं दोस्तों, जिससे एक ईमेल आईडी बनती है। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम यूज़र नेम कहते हैं, और जो दूसरा भाग जो होता है उसे हम डोमेन नेम कहा जाता है, और एक बीच में लगता है दोस्तों @ इस तरीके से लगता है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये अगस्त 2016 में क्वेश्चन आया है। इन्होंने यहाँ पे BCC के बारे में पूछा है कि BCC क्या होता है। अब यही क्वेश्चन देखिए BCC और CC के बारे में पूछ लिया। जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बिल्कुल आसानी से आपको समझाएंगे। ये वीडियो आप पूरा देखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेबसाइट से रिलेटेड, यानी कि जो वेबसाइट एड्रेस होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में से 2 से 3 बार क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, और आगे भी इसमें से आने की संभावना है। तो इस टॉपिक को हम पूरा क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। ईमेल के अंदर हम सबसे पहले भाग की बात करते हैं यूज़र नेम की। अब देखिए यूज़र नेम क्या होता है। यूज़र नेम अपने हिसाब से हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि rakeshkumar@gmail.com होता है, या फिर sunilkumar@gmail.com, यानी कि अपने हिसाब से जो यूज़र नेम है वो हम कुछ भी रख सकते हैं। और देखिए चलिए मैं इसको एक उदाहरण के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये जैसे हमारी एक ईमेल आईडी है, तो इसके अंदर जो अर्पित जो है ये हमारा यूज़र नेम है, यानी कि @ से पहले जो लगता है इस साइड में वो क्या होता है, उसे हम यूज़र नेम कहते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद होता है हमारा डोमेन नेम होता है। अब देखिए डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम होता है जैसे हमारा gmail.com हो गया, और या फिर जैसे yahoo.com होता है, और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे NTA.net हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन नेम है। ये किसी भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट का नेम होता है, और इसके अंदर क्या है कि कई बार हम अपना कस्टम डोमेन नेम भी बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि कई बार हाँ आपने देखी होगी ईमेल, इसके अंदर क्या होता है जैसे info@toyota.com,
ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि उसके अंदर कंपनी अपना खुद का नाम भी रखती है, तो उसे हम कस्टम डोमेन नेम कहते हैं। और अब देखिए एक और चीज़ इसके अंदर आती है, तीसरी क्या है वो है दोस्तों, हमारे पास एट द रेट का चिन्ह है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर ईमेल के अंदर ये एट द रेट का चिन्ह है आपको देखने को मिलेगा। आपने हर तरह की मेल के अंदर ये देखा होगा, चाहे वो याहू की हो, जीमेल की हो, हॉटमेल की हो, या फिर जो कस्टमर डोमेन नेम होता है उसके अंदर हो, तो सभी के अंदर एट द रेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में जैसे हम बात करें कि जो ईमेल होती है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं, यानी कि उसके इंटरनल पार्ट कितने होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जब भी हम ईमेल कंपोज करते हैं तो उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, और इससे पहले अगर आप ये देखना चाहें तो ये पिक्चर देख सकते हैं। ईमेल के जो अलग अलग पार्ट थे उनकी बात बताई थी हमने, ये यूज़र नेम हो गया, ये एट द रेट हो गया, और ये हमारा लास्ट में होता है कस्टम डोमेन नेम कहते हैं इसे। और अब बात करते हैं ईमेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए ईमेल के अंदर सबसे पहले आता है ईमेल एड्रेस, ये हमने बता ही दिया, जैसे इस तरीके से होता है ईमेल एड्रेस। और उसके बाद होता है हेडर। हेडर के अंदर क्या होता है देखिए मैं बताऊँ आपको, हेडर के अंदर क्या होता है कि ऊपर स्टार्टिंग के अंदर जो मुख्य भाग होता है उसे हम हेडर कहते हैं, और हेडर के अंदर 3 से 4 तरह की चीज़ें आती है। सबसे पहले आती है टू, फिर आता है सीसी, फिर आता है बीसीसी, और फिर आता है सब्जेक्ट। अब देखिए इन सभी को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इनमें से आने की संभावना है। देखिए टू का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें किसी सिंगल एक बंदे को ईमेल भेजनी है तो वहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, यानी कि जिसे हमें मेल भेजनी है। सीसी का होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। अब मान के चलिए हमें एक ही मेल 10 लोगों को भेजनी है, तो हम सीसी है इसके अंदर 10 लोगों की ईमेल एड्रेस यहां पे डाल सकते हैं। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास बीसीसी, इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ भी हमने इसमें दिया हुआ है। देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है इसके अंदर, रुकिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है दोस्तों, जैसे मान के चलते हैं हमने 10 लोगों को ईमेल भेजिए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सभी 10 लोगों को एक दूसरे को ये पता चले कि ये ईमेल हमने किन किन लोगों को भेजी है। अब देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, उससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए हमने सीसी के अंदर 10 लोगों के नाम डाले, जैसे राजेश डाल दिया, सुनील डाल दिया, और क्या नाम ले हमने जैसे तमन्ना डाल दिया, या फिर सुनीता डाल दी, इस तरीके से 10 लोगों के हमने सीसी के अंदर नाम डाले। तो सीसी के अंदर जब हम 10 ईमेल एड्रेस डालेंगे तो सभी के सभी को ये पता चलेगा कि मेरे अलावा और किन किन लोगों को ईमेल भेजी गई है, तो सभी को पता चल जाएगा भाई मेरे अलावा किन किन लोगों को मेल भेजी गई है, अगर हम सीसी के अंदर ईमेल एड्रेस डालेंगे तो। और कई बार हम चाहते हैं कि ये ईमेल हम जिन जिन लोगों को भेज रहे हैं तो किसी को एक दूसरे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे अलावा ये ईमेल किस किस को गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जितने भी ईमेल एड्रेस डालते हैं वो किसी को भी शो नहीं होते, किसी को भी पता नहीं चलता कि मेरे अलावा और किसको ईमेल ये भेजी गई है। तो मुख्य रूप से ये काम होता है सीसी का और बीसीसी का, और इसमें से करीब आज से 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो ये जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी दोस्त को कोई बात समझ में ना आए तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट आता है। अब देखिए सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने पत्र लिखते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है विषय होता है, वो ये जो हमारी ईमेल है वो किसके बारे में है, ताकि वो कुछ हेडिंग से ही समझ जाए कि उसे अंदेशा हो जाए कि ये ईमेल किसके बारे में है, तो सब्जेक्ट मुख्य रूप से ये होता है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे भी हमने ये सारी चीज़ दी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसान है। और एक चीज़ और जैसे यहाँ पे नीचे मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं ये, यहाँ से जैसे ये हमारी बॉडी होती है दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी हमें विस्तार से जो चीज़ लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे सेंड है, सेंड पे क्लिक करके इसे भेज सकते हैं। सेंड करने से पहले अगर हम चाहें कि इसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना है तो यहाँ पे क्लिक करके वो अटैच कर सकते हैं,
और भी कई छोटी छोटी चीज़ें वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो अपने ज़्यादा काम की नहीं है, एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा नहीं पूछी जाती। जैसे कि यहाँ पे आप फ़ोटो अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है दोस्तों, ये हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में जैसे कि मैसेज बॉडी मैंने आपको बता ही दिया कि जिसके अंदर हम पूरे के पूरे अपना जो मैसेज है वो टाइप करते हैं। सिग्नेचर ये होता है कि लास्ट के अंदर हम किसी को भेजना चाहे अपना सिग्नेचर एज ए टाइप, भाई अगले को पता चल जाए कि ये ईमेल किसने भेजी है, तो ये होता है। और ये एक ईमेल की सेटिंग के अंदर जाके सिग्नेचर करना होता है, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं वैसे थोड़ी सी, तो इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। और फिर है अटैचमेंट, अटैचमेंट मैंने आपको बताया कि इसमें हम अपनी वीडियो फाइल जोड़ सकते हैं और वर्ड की फाइल जोड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट इसमें जोड़ के अगले को भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य रूप से ईमेल के बारे में जानकारी है। और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों वो आप ज़रूर देखना, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि BCC और CC से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, मेल मर्ज। अब देखिए मेल मर्ज क्या होता है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें से करीब 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए मेल मर्ज का मैं आसान सी भाषा में इसका मतलब बताऊं, अब मान के चलिए हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शादी का कार्ड है, तो शादी का कार्ड क्या होता है कि उसके अंदर जो मैटर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। और हम मान के चलते हैं कि शादी की कार्ड हमें 100 लोगों को शादी का कार्ड भेजना है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो एनवलोप होगा उसका जो ऊपर का कवर होगा उसके ऊपर हमें नाम चेंज करना है, लेकिन अंदर जो मैटर है वो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा और वो हमें सभी को भेजना है। यानी कि एक चीज़ जब बहुत से लोगों को भेजी जाए और जिसका अंदर का मैटर कंटेंट सेम हो लेकिन जो जिसे भेजना है उसका एड्रेस अलग हो, तो मेल मर्ज यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ भी लेटर हमने टाइप कर लिया, जैसे मैंने शादी कार्ड की बात कही या कुछ भी लेटर हो सकता है वो हमें जैसे कि बहुत से लोगों को भेजना, तो वहाँ पर क्या है कि एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हम सभी के एड्रेस फिलअप कर सकते हैं और फिलअप करने के बाद में वो उतने ही लोगों के पास एक जो लेटर है वो चला जाएगा बहुत से लोगों के पास। और इसमें अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मेल मर्ज MS वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जब ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर, वही चीज़ है दोस्तों मैंने आपको बताई है कि एक चीज़ जब हमें बहुत से लोगों के पास भेजनी हो जिसका कंटेंट सेम हो लेकिन एड्रेस अलग अलग हो, तो वहाँ पे हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अंदर यही बात है, और इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं इवनिंग की जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको दिखाऊंगा। आगे आता है दोस्तों हमारे पास स्पैमिंग और जंक मेल। अब इसमें से भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए इसका भी मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। स्पैमिंग और जंक मेल ऐसी ईमेल होती है जो हमारे काम की नहीं होती, जो कंपनियों द्वारा भेजी जाती है, वो खुद की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो हमारे ज़्यादा काम नहीं होती। और इसके अंदर काफ़ी तरह की मेल आती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग के गोडैडी की मेल आ गई, इंश्योरेंस की मेल आ गई और होस्टिंग वगैरह की मेल आ गई, काफ़ी तरह की ईमेल प्रमोशन के लिए आती रहती है। और उनके अंदर कई ईमेल ऐसी भी होती है दोस्तों जो हमारा डेटा चोरी करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर कुछ गलत चीज़ें डाली हुई होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह डाले हुए होते हैं, तो उनको ओपन करने से हमारा जो डेटा है वो ख़राब हो सकता है। देखिए आपने भी इस तरह की काफ़ी ईमेल देखी होगी, अगर नहीं देखे तो आप जीमेल के अंदर जाना और वहाँ पे एक प्रमोशन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करना, आपको वहाँ पे बहुत सी ईमेल दिखाई देगी, या फिर आप एक स्पैम का एक फोल्डर होगा वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी जो ईमेल है वो दिखाई दे जाएगी। तो स्पैमिंग का और जंक मेल का मुख्य रूप से यही मतलब है, जो हमारी अवांछित ईमेल होती है जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती और जो प्रमोशन के लिए या डेटा चोरी के लिए भेजी जाए उसे हम स्पैमिंग या जंक मेल कहते हैं। अब आगे आता है दोस्तों हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए डोमेन नेम सिस्टम सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि डोमेन क्या होता है, सबसे हमें ये
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। देखिए डोमेन मुख्य रूप से क्या होता है कि किसी भी जो साइट है, वेबसाइट है, उसके एड्रेस को हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन के अंदर दोस्तों काफ़ी तरह की चीज़ें आ सकती है, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे सामाजिक जानकारी डॉट कॉम हो गया, UGC नेट ऑनलाइन डॉट इन हो गया, और NTANET.NIC.IN हो गया। यानी कि जो हमारा एक मुख्य नेम होता है उसके पीछे जो नेम है वो अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। जैसे .com हो सकता है, .edu हो सकता है, .gov हो सकता है, .org हो सकता है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह के डोमेन नेम देखे होंगे जो अलग अलग होते होंगे। और इसके अंदर देखिए मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जैसे .com है वो किसके लिए यूज होता है, .gov किसके लिए होता है, .net किसके लिए होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे .com मुख्य ज़्यादातर जो वेबसाइट .com के अंदर बनी हुई होती है, ये व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, और थोड़ा वैसे देखने में भी अच्छा लगता है। और उसके बाद में जैसे .edu हो, .edu ये जैसे कि कोई कॉलेज वगैरह हो गया, इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, यानी कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए .edu का यूज़ किया जाता है। फिर .gov जो गवर्नमेंटल वेबसाइट होती है उसके लिए .gov यूज़ किया जाता है। फिर .mil यानी कि मिलिट्री काम के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है उसे हम .mil का यूज़ करते हैं। उसमें .net यानी कि नेटवर्किंग के लिए जो यूज़ की जाती है उसे हम .net का यूज़ करते हैं। .co जो अगर कंपनी वगैरह के लिए हमें वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम .co का यूज़ करते हैं। फिर है .org, .org के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम .org का यूज़ करेंगे। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों हमारे डोमेन नेम हैं, और इनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से करीब 2 से 3 बार क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। और आगे देखिए, जैसे कि इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा URL होता है, सबसे पहले तो हमें URL की फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और इसे सामान्य भाषा में वेबसाइट का एक पता या एड्रेस कह सकते हैं। अब देखिए जो हमारी डोमेन या URL होती है उसके अलग अलग पार्ट को भी हम देख लेते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले जो होती है ये होती है हमारी प्रोटोकॉल होती है, ये मैंने आपको बताया था HTTP, ये हमारी प्रोटोकॉल होती है। और आजकल जो यूज होते हैं दोस्तों HTTPS भी लगा हुआ होता है। अब देखिए HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है। HTTP दोस्तों ये हमारी सिंपल होती है, सिंपल प्रोटोकॉल होती है, लेकिन जो HTTPS जो होता है ना, जहाँ पे S लग जाए वहाँ, इसका मतलब है दोस्तों वो सिक्योर डोमेन के लिए यूज़ किया गया है। जैसे आप Amazon की वेबसाइट पे जाते हो और Flipkart की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे हमें पेमेंट वगैरह करनी होती है, तो दोस्तों जहाँ पे S लगा हुआ होता है वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सिक्योर है, आपको किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। तो मुख्य रूप से S का काम ये होता है। ये क्वेश्चन भी आप आ सकता है दोस्तों, ध्यान में रखना। और आगे दोस्तों ये होती है हमारी सब डोमेन होती है, और यहाँ भी अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे WP.com इस तरीके से अलग अलग यूज़ किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर WWW का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों ये डोमेन नेम होता है, जैसे गूगल हो गया या फिर UGC नेट हो गया, अलग अलग तरीके से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, डोमेन नेम हो गया। और उसके बाद होता है दोस्तों लास्ट में, जैसे मैंने बताया कि .org होगा या फिर .com होगा या जो भी होगा, इन्हें हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं दोस्तों, और ये आप थोड़ा ध्यान में दे लेना। और इसमें से एक बार ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉप लेवल डोमेन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। तो दोस्तों इस नोट्स को आप चाहे तो दोबारा पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को पूरा दोबारा से देख लेना, क्योंकि इसमें से, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन और भी आने की संभावना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।